गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग दो के पार्ट 19 रानी की योजना पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, जिसमें एक बहुत ही शैतान बालक गोलू को सही रास्ते पर लाया जाता है। गोलू का शैतानी करना किसे परेशान करता है एवं गोलू को सही रास्ते पर कौन लेकर आया, वो हम सब इस कहानी को पढ़कर जानेंगे। रानी और रवि एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, पर दोनों की कक्षाएं अलग अलग थी। यानी रानी और रवि स्टूडेंट्स, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, परंतु दोनों की कक्षाएं अलग अलग थी। रवि की कक्षा में एक शैतान बच्चा गोलू पढ़ता था। प्यारे बच्चों, रवि की कक्षा में एक शैतान बच्चा कौन पढ़ता था? गोलू। वह सभी बच्चों को तंग करता था, पर कोई कुछ नहीं कर पाता था। रवि की कक्षा में गोलू नाम का एक शैतान बच्चा पढ़ता था। वह सबको परेशान करता, परंतु सभी बच्चे उससे डरते थे। इसी कारण उसकी शैतानी की शिकायत कोई भी टीचर से नहीं करता था। इस कारण उसकी शैतानी बढ़ रही थी। एक दिन आधी छुट्टी यानी लंच के समय, जब सभी बच्चे अपना अपना खाना लंच करते थे, रवि भी अपने खाने का डिब्बा यानी टिफिन लिए कक्षा की ओर जा रहा था। परंतु अचानक गोलू ने उसे रोक लिया और गोलू ने रवि से पूछा, गोलू, आज खाने में क्या लाए हो? तभी गोलू के प्रश्न का आंसर देते हुए रवि बोला, क्यों बताऊं? ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था अगर गोलू को उसने बताया कि वो खाने में क्या लाया है, तो गोलू उसके खाने को खा जाएगा। इसलिए उसने कहा, क्यों बताऊं? गोलू, अपना डिब्बा मुझे दे दो। रवि की बात सुनकर गोलू को गुस्सा आ गया, इसलिए उसने कहा, अपना डिब्बा मुझे दे दो। रवि ने कहा, नहीं दूंगा। परंतु गोलू मानने वाला नहीं था, उसने रवि का डिब्बा छीन लिया था, उसमें रखी मिठाई नमकीन खा गया था। प्यारे बच्चों, रवि की कक्षा में सबसे शैतान बच्चा कौन था? गोलू था। गोलू ने किसका डिब्बा छीना? प्यारे बच्चों, गोलू ने रवि का डिब्बा छीना। गोलू ने रवि के डिब्बे में से क्या खाया? प्यारे बच्चों, गोलू ने रवि के डिब्बे में से मिठाई और नमकीन खाए। रानी और रवि कहाँ पढ़ते थे? रानी और रवि विद्यालय में पढ़ते थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार गोलू रवि के डिब्बे में से मिठाई व नमकीन खा गया, परंतु रवि कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वह गोलू से डरता था। तभी गोलू ने रवि से कहा, ये लो डिब्बा और भागो यहाँ से,
इस प्रकार गोलू अब तो रोज रवि का डिब्बा छीनता और उसे खाली करके वापस दे देता, क्योंकि रवि उसका विरोध कभी नहीं करता। प्यारे बच्चों, अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उसका विरोध करना चाहिए, ताकि वह दोबारा हमें परेशान नहीं करे, या अपने टीचर से शिकायत करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो गलत करने वाले की हिम्मत बढ़ेगी, वह बार बार हमें परेशान करेगा, रवि ने ऐसा नहीं किया। इसलिए गोलू की हिम्मत बढ़ी, वह बार बार रवि का डिब्बा छीनता, उसमें से वह कभी ब्रेड, जैम, तो कभी मिठाई, कभी पराठा छीन कर खाने लगा। बेचारा रवि डर के कारण किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन रानी ने रवि को रोता हुआ देखा, पूछा, रवि तुम क्यों रो रहे हो? प्यारे बच्चों, रवि को रोते हुए किसने देखा? रवि को रोते हुए रानी ने देखा और उसे रोता हुआ देखकर उससे पूछा, रवि तुम क्यों रो रहे हो? तभी रानी के इस प्रकार पूछने पर रवि बोला, कुछ नहीं रानी, कुछ नहीं हुआ। रवि अभी भी गोलू से इतना डरा हुआ था कि वह रानी को अपने साथ हुई परेशानी नहीं बता पा रहा था। परंतु रानी ने वापस उससे कहा, कोई बात तो है, मुझे बताओ। रानी के बार बार पूछने पर रवि ने साहस कर सारी बात रानी को बताई। तभी रानी ने उसकी बात सुनी और उससे कहा, रवि तुम चिंता मत करो। रानी ने गोलू को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, इस कारण वह रवि को चिंता न करने के लिए कहने लगी। अगले दिन गोलू ने रवि से उसके खाने का डिब्बा मांगा। रवि डरते हुए बोला, नहीं है। गोलू ने वापस कहा, जल्दी लाओ, कहाँ है डिब्बा? तभी रवि के पास में खड़ी रानी ने गोलू से कहा, यहाँ है रवि का डिब्बा, गोलू लाओ, मुझे दे दो, मुझे खाना खाना है। रानी, नहीं दूंगी। गोलू के द्वारा डिब्बा मांगने पर भी रानी उसे मना कर देती है। रानी ने रवि का डिब्बा एक थैले में रखा हुआ था। रानी के मना करने पर गोलू को गुस्सा आ जाता है और वह रानी से थैला छीन लेता है। और गोलू ने जैसे ही डिब्बा निकालने के लिए थैला खोला, उसके अंदर बैठे बिच्छू से डरकर गोलू ने थैला फेंक दिया और भाग गया। प्यारे बच्चों, गोलू ने किससे थैला छीना था? प्यारे बच्चों, गोलू ने रानी से थैला छीन लिया। गोलू ने थैले में क्या देखा? प्यारे बच्चों, गोलू ने थैले में बिच्छू देखा। गोलू किससे डरा? गोलू बिच्छू से
डरा। इस प्रकार रानी की योजना काम कर गई और गोलू थैला फेंक कर डर कर वहां से भाग गया। तभी रानी से रवि ने पूछा, तुम इतना खतरनाक बिच्छू कहाँ से लेकर आई? रानी ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, जोर से हंसती हुई, बुद्धू कहीं के वह बिच्छू प्लास्टिक का था। प्यारे बच्चों, बिच्छू किससे बना हुआ था? बिच्छू प्लास्टिक से बना हुआ था। रवि और रानी की युक्ति से बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन गोलू ने रवि से माफी मांगी और आगे कभी ऐसा नहीं करने का वादा किया। यानी गोलू ने कभी भी रवि को परेशान न करने का वादा किया। शिक्षा, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है, किसी भी कार्य को आवश्यकता से ज्यादा नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ, युक्ति, युक्ति यानी तरकीब, युक्ति यानी तरकीब, साहस, साहस यानी हिम्मत, विद्यालय, विद्यालय यानी स्कूल, ठहाका, ठहाका यानी जोर से हंसना। धन्यवाद।